हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज की क्लास में हम लोग मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बुक से क्लास 8 का जो एक चैप्टर है मेंसुरेशन, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ एक ही वीडियो में देखेंगे। तो थोड़ा लंबे टाइम का ये वीडियो होगा, आप लोग ध्यान से देखें। एनसीईआरटी क्लास 8 मेंसुरेशन चैप्टर, कहने के लिए तो ये क्लास 8 का है, लेकिन क्लास 9 और 10 के लिए भी बहुत ही यूजफुल, क्योंकि बहुत ही बेसिक से मैं इसे पढ़ाने जा रहा हूं। और अगर आप इसे देखते हैं तो फिर आपके लिए क्लास 9 और 10th का जो मेंसुरेशन चैप्टर होगा वो सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो बहुत ही ध्यान से देखें इसे, एनसीईआरटी बुक से मैंने इसे लिया है और क्लास 8 का ही चैप्टर होगा मेंसुरेशन, जो कि आपका चैप्टर नंबर 11 है। आने वाले एग्जाम के लिए तो यूजफुल है ही, साथ ही साथ आपका ये बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होता है क्लास 8 मेंसुरेशन। और अगर आप इसे ध्यान से देखते हैं तो आपके लिए 9 और 12 में मेंसुरेशन चैप्टर समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले जो इस ये चैप्टर 11 आपका एनसीईआरटी में है मेंसुरेशन, उसका जो सबसे पहला एक्सरसाइज है वर्ड प्रॉब्लम से स्टार्ट है, वहां से ही क्वेश्चन लिया है। तो ज्यादा देर ना करते हुए मैं फिर से जो है आज की क्लास को शुरू करता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन मेंसुरेशन का आपके एनसीईआरटी बुक से, स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगुलर फील्ड विथ मेजरमेंट्स एज गिवन इन द फिगर हैव द सेम पेरीमीटर, विच फील्ड हैज अ लार्जर एरिया। ध्यान से देखने वाली बात है, क्वेश्चन में कह रहा है कि जो दो फील्ड दिए हुए हैं, एक स्क्वायर शेप में है और एक रेक्टेंगुलर शेप में है, दोनों के ही पेरीमीटर शेप पेरीमीटर बिल्कुल सेम है, तो फिर कौन से फील्ड का जो है वो एरिया ज्यादा होगा। तो जैसा कि सॉल्यूशन में हम लोग देखेंगे, साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड दिया हुआ है 60 मीटर, तो यहां से हम लोग इसके एरिया को कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर का एरिया जो होता है वो साइड का स्क्वायर होता है। तो 60 मीटर का स्क्वायर यानी कि 3600 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। और कहा जा रहा है कि जो स्क्वायर का पेरीमीटर है, रेक्टेंगल का भी पेरीमीटर वही है, यानी कि कहीं ना कहीं हम लोग को स्क्वायर फील्ड के पेरीमीटर की जरूरत पड़ रही है। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड इज इक्वल टू 4 × साइड, दैट इज 4 × साइड का जो वैल्यू है, यानी कि जो इसके साइड का लेंथ है वो है 60 मीटर। तो ये हो जाएगा 4 × 60 यानी कि 240 मीटर। तो यहां पर देख सकते हैं हम लोग कि स्क्वायर फील्ड का जो पेरीमीटर आ गया वो 240 मीटर आ गया। इसका मतलब है कि रेक्टेंगल फील्ड का जो पेरीमीटर है वो भी 240 मीटर है। यहां पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख देना बेहतर होगा, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड ये भी 240 मीटर हो गया। अब रेक्टेंगुलर फील्ड का जो लेंथ है या फिर ब्रेथ, कुछ भी कह सकते हैं, बेसिकली ये लेंथ अगर इसको मान लेते हैं तो 80 मीटर अगर दिया हुआ है, तो हम लोग यहां पर फॉर्मूले में जो रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 × लेंथ + ब्रेथ, और ये पेरीमीटर का वैल्यू 240 दिया हुआ है, तो 2 × लेंथ की जगह हम लोग 80 रख लें और ब्रेथ हम लोगों को पता नहीं है, तो 80 + ब्रेथ इज इक्वल टू 240, और ये इंटू का 2 उधर जाके उसको डिवाइड कर देगा यानी कि 120। तो ब्रेथ इज इक्वल टू 120 - 80, तो हम लोग कह सकते हैं कि ब्रेथ 40 मीटर इसका आ गया। पर यहां पे हम लोगों से पूछा गया है कौन से फील्ड का एरिया ज्यादा होगा, तो स्क्वायर में साइड दिया हुआ था तो उसकी हेल्प से हम लोग एरिया पहले ही निकाल चुके हैं। पेरीमीटर यानी कि रेक्टेंगल के एरिया के लिए लेंथ और ब्रेथ दोनों की ही जरूरत थी, लेंथ दिया हुआ था, ब्रेथ हम लोगों ने निकाल लिया। अब हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। एक पहले से दिया हुआ था 80 और दूसरा हम लोगों ने यहां पर निकाला है 40, मल्टीप्लाई कर लिया तो ये 3200 मीटर स्क्वायर आ गया। आप देख सकते हैं कि स्क्वायर फील्ड का एरिया पहले ही हम लोगों ने कैलकुलेट किया है 3600 मीटर स्क्वायर, और रेक्टेंगुलर फील्ड का अब कर लिया 3200 मीटर स्क्वायर, तो हम लोग यहां पर कह सकते हैं कि स्क्वायर फील्ड का जो एरिया है वो ज्यादा है। सो एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड बाय, आप दोनों का डिफरेंस भी लिख सकते हैं, हालांकि पूछा नहीं गया है, 3600 - 3200 यानी कि 400 मीटर स्क्वायर
एरिया में जो स्क्वायर है वो बड़ा है रेक्टेंगल से, तो हम लोग देखेंगे इसके बाद का क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने मेंसुरेशन से लिया है वो कंसेप्ट है ट्रेपेजियम के। तो सबसे पहले इसके सॉल्यूशन से पहले मैं आपको समझाना चाहूंगा कि ट्रेपेजियम होता क्या है। तो एक ऐसा फिगर जिसमें दो पैरेलल साइड होते हो, जैसे आप देख सकते हैं ये दोनों जो साइड है ये दोनों पैरेलल है, और दो नन पैरेलल साइड होते हो, जैसे ये और ये नन पैरेलल है, और उस दोनों पैरेलल साइड के बीच का जो लेंथ होता है उसको हम लोग हाइट कहते हैं। जैसे अगर ये यहाँ पर एक साइड बिल्कुल नॉर्मल है यानी कि 90 डिग्री के एंगल पे है तो इस ट्रेपेजियम का हाइट यही हो जाएगा। इन दैट केस अगर कहीं पे अगर इस टाइप का ट्रेपेजियम दिया हुआ हो, जैसे यहाँ पे भी बाय डेफिनेशन ये भी एक ट्रेपेजियम है क्योंकि ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं और ये दोनों नॉन पैरेलल साइड्स हैं, तो पैरेलल साइड के बदले तो आप ये लेंगे पर हाइट के बदले आप गलती से भी ये और ये नहीं ले सकते हैं। हाइट वही होगा जो दोनों पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस होगा, लेंथ होगा शॉर्टेस्ट, और सबसे खास बात की ये 90 पे यानी परपेंडिकुलर होना चाहिए किसी और साइड पे। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो क्वेश्चन है वो इस वाले फिगर से है, तो यहाँ पर हाइट ये ले सकते हैं हम लोग और दोनों नॉन पैरेलल साइड ये ले सकते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम गिवेन है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ वन पैरेलल साइड इज 10 सेंटीमीटर, ये आपको 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हम लोग लिखेंगे फर्स्ट पैरेलल साइड इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, और दूसरा पैरेलल साइड आपसे पूछा गया है जबकि हाइट यानी कि ये पार्ट दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, हाइट दिया हुआ है आपको 4 सेंटीमीटर, और सेकेंड पैरेलल साइड पूछा गया है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, नाउ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम की वैल्यू है 34, यहां पर हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट इज इक्वल टू जो भी वैल्यू दिया हुआ है ट्रेपेजियम का 34 वो रख लेंगे, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, एक तो 10 दिया हुआ है और दूसरा हम लोगों को पता नहीं है, तो यहां पर अगर चाहे तो हम लोग एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं लेट सेकेंड पैरेलल साइड बी एक्स। तो अब यहां पर क्या होगा कि 10 प्लस दूसरे पैरेलल साइड के बदले हम लोग एक्स रख सकते हैं इंटू हाइट की वैल्यू 4 दी हुई है और 34 2 से इसको हमने 2 टाइम्स कैंसिल कर लिया, तो 10 प्लस एक्स एक साइड होल्ड कर लेंगे और 34 इंटू का 2 जाके डिवाइड का 2 हो जाएगा, तो 10 प्लस एक्स इज इक्वल टू 34 बाय 2 यानी कि 17। तो हम लोग कह सकते हैं कि एक्स इज इक्वल टू 17 माइनस 10 दैट इज एक्स इज इक्वल टू 7। तो एक्स हम लोगों ने माना हुआ है दूसरे पैरेलल साइड को, तो लिख देंगे यहां पर सो सेकेंड पैरेलल साइड इज जो भी एक्स का वैल्यू आया है यानी कि 7 सेंटीमीटर। तो इस तरह से एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है। तीसरा क्वेश्चन जो मैंने लिया है मेंसुरेशन का वो रोम्बस के कंसेप्ट पे है। तो रोम्बस जो स्क्वायर के टाइप में होता है, चार के चारों साइड इक्वल होते हैं, पढ़ के ही होता है कि स्क्वायर के दोनों डायगनल इक्वल होते हैं और स्क्वायर के वर्टिसेस पे 90 का एंगल बनता है, पर रोम्बस के दोनों ही डायगनल इक्वल नहीं होते हैं। तो रोम्बस का एरिया निकालने के लिए अगर आपको उसके दोनों डायगोनल दिए हुए हैं तो सबसे सिंपल तरीका है एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स का मीनिंग दोनों ही डायगोनल को मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आएगा वो, तो हाफ इंटू डायगोनल्स का प्रोडक्ट यानी कि 7.5 इंटू 12, डेसिमल हटा दिया तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, 2 से ये 6 टाइम्स, 5 से ये 15 टाइम्स, 5 से ये 2 टाइम्स, 2 से ये 3 टाइम्स, तो 15 3 जा 45, अगर सेंटीमीटर यूनिट है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। तो ये था एरिया ऑफ रोम्बस, और ये आपकी क्लास 8 में नहीं बल्कि 9 और 10 के लिए भी यूजफुल है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को जरा आप लोग ध्यान से देखना क्योंकि इसका कंसेप्ट बिल्कुल और आपके क्लास 9 और 10 में फिर से आगे आने वाला है। अ क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक, जैसे ही सिलेंडर की बारी आएगी सेप हम लोगों के दिमाग में ऐसा आता है, आपके घर में इस सेप के बहुत सारे
थिंग्स ऑब्जेक्ट होंगे। तो बोला जा रहा है अ क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 7 मीटर एंड हाइट 3 मीटर, यानी कि रेडियस अगर इसका 7 मीटर है और हाइट आपका 3 मीटर है। फिगर थोड़ा इज मेड फ्रॉम अ सीट ऑफ मेटल, मेटल सीट से इसको बनाया गया है। हाउ मच सीट ऑफ मेटल इज रिक्वायर्ड, तो यहां पे मेटल का कितना एरिया का सीट लगेगा इसको बनाने में, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इससे मैं आपको जरा ध्यान से समझाऊंगा कि सिर्फ एक वर्ड से ये क्लोज्ड क्लोज्ड और अगर ओपन हो तो दोनों से बहुत ही बड़ा फर्क पड़ जाता है। क्लास 10 में भी इसका एक अच्छे इस कंसेप्ट पे ढेर सारे क्वेश्चन हैं। तो जैसे ही सिलेंड्रिकल शेप का अगर हम लोग को सिर्फ एक कोई ऐसा बनाना होता जिसका ऊपर खुला होता और नीचे खुला होता, तो उसके लिए हम लोग सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया लेते, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया से पता चल जाता कि जो है वो कितना मेटल सीट लगेगा उस सिलेंडर को बनाने में। पर जैसे ही क्लोज्ड कहा गया, इसका मतलब है कि टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का जो ऊपर का पार्ट होगा यानी कि ढक्कन, वो भी बंद होगा और नीचे का पार्ट जो होगा वो भी बंद होगा। तो कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया में यही डिफरेंस है। तो यहाँ पर जैसे ही क्लोज्ड कह दिया, तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि ऊपर और नीचे दोनों से बंद है, यानी कि यहां पर हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ मेटल सीट रिक्वायर्ड। चूंकि वर्ड प्रॉब्लम है तो स्टेटमेंट उसके हिसाब से ही लिखना पड़ेगा, पर कंसेप्ट जो होता है वो वही लगेगा कि ऊपर भी क्लोज है नीचे भी क्लोज है, तो टोटल सरफेस एरिया अगर दोनों साइड से खुला होता, सिर्फ चारों तरफ से बना हुआ होता, तो कर्व सरफेस एरिया से ही हो जाता। पर यहाँ पे पूछा गया है कि ऊपर नीचे दोनों बंद है यानी कि क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक है, तो एरिया ऑफ मेटल सीट रिक्वायर्ड जो हो जाएगा वो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हो जाएगा। तो ये आपको मैं एक बार क्लियर कर दूं कि कर्व सरफेस एरिया जो होता है इसका 2πRh होता है, इससे तो हम लोगों को मतलब है नहीं, पर हाँ टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए इसकी हेल्प से इसका फॉर्मूला याद रखा जा सकता है कि चारों तरफ का एरिया तो 2πRh हो गया प्लस इसका जो बॉटम है वो सिलेंड्रिकल शेप में है, और बिल्कुल इक्वल साइज का एक और जो वो है सरफेस है वो भी सिलेंड्रिकल शेप सर्कुलर शेप में है। तो सर्कल का एरिया जो होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, और इस तरह से एक सर्कल नीचे है एक सर्कल ऊपर है, तो दोनों का एरिया जो हो जाएगा वो 2πR² हो जाएगा। तो इसमें से हम लोग 2πR कॉमन ले लेते हैं, तो बच जाता है यहाँ पर h और यहाँ पर बच जाता है 1R। तो हम लोग कह सकते हैं कि टोटल सर्फेस एरिया ऑफ सिलेंडर यानी कि क्लोज्ड सिलेंडर का जो सर्फेस एरिया होगा पूरा वो 2πR इंटू h प्लस R हो जाएगा। तो 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 और r रेडियस दिया हुआ है अपना 7 मीटर और हाइट प्लस रेडियस, तो हाइट 3 दिया हुआ है और रेडियस दिया हुआ है 7, 7 से 7 कैंसिल, 22 2 = 44 और 7 और 3 ऐड करके 10 हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि 440 मीटर स्क्वायर मेटल सीट की जरूरत पड़ेगी इस क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक को बनाने में। तो इस चैप्टर मेंसुरेशन का जो मैंने 5th क्वेश्चन लिया है वो आपके क्यूबॉइड के कंसेप्ट से है। फाइंड द हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड, यानी आपको ये हाइट कैलकुलेट करना है, हुज बेस एरिया यानी कि बेस जो क्यूबॉइड का रेक्टेंगुलर शेप में होता है, आप अभी जिस कमरे में बैठे हैं उसका भी बेस देख सकते हैं, वो भी रेक्टेंगुलर शेप में होता है, एंड वन वॉल्यूम इज 900 cm³, यानी बेस एरिया दिया हुआ है वॉल्यूम दिया हुआ है, हम लोगों को हाइट कैलकुलेट करना है। तो बेस एरिया यानी कि एरिया ऑफ बेस ये गिवन है 180 cm², तो आपको ध्यान रखना होगा, याद होना चाहिए कि क्यूबॉइड का जो बेस होता है वो रेक्टेंगुलर शेप में होता है। तो यहाँ पर रेक्टेंगल का एरिया जो अप्लाई होगा वो L इंटू बी इज इक्वल टू 180 cm², तो L इंटू बी का वैल्यू अपना आ गया। अब हम लोगों को हाइट पूछा गया है जबकि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड 900 cm³ दे दिया गया है, तो हाइट पूछा गया है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट इज इक्वल टू 900। लेंथ इंटू ब्रेथ के बदले डायरेक्टली हम उसका वैल्यू यानी कि 180 cm² रख सकते हैं, इंटू हाइट हम लोगों को कैलकुलेट करना है, दैट इज 900। तो हाइट इज इक्वल टू 900/180, 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो h आ जाएगा इस तरह से 5 cm। सो हाइट इज इक्वल टू 5 cm।
तो इस तरह से आपने मेंसुरेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखे। कहने के लिए तो ये क्लास 8 का था, क्लास 8 के बुक से था, पर क्लास 9 और 10th के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट। और सबसे जरूरी बात कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे से आपको जितने भी यूजफुल वीडियोज आए, यूजफुल क्लासेस आए, वो आपको मिलता रहे। तो इस वीडियो को हमारे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू इस क्लास को देखने के लिए।